दक्षिण भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदी विरोध की आवाज बुलंद है, तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में भी कुछ नेताओं ने विरोध का झंडा उठा लिया है। यहां भी वजह वोट बैंक है। इनकी बौखलाहट यह है कि एक फैसले से इनके वोटों का गणित बिगड़ गया है। एक आदेश के मुताबिक जो भी शख्स जम्मू में एक साल से ज्यादा समय से रह रहा है वो अब वहां की आम जनता की तरह चुनाव में वोट कर सकेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नेताओं के दिलो दिमाग पर नए वोटों की चोट का दर्द अभी से दिखने लगा। जम्मू में एक प्रशासनिक फैसले से राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। हर राजनीतिक दल इस फैसले को अपनी सुविधा के तराजू में तौल रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स के लिए जिला चुनाव कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक जम्मू जिले में जो भी शख्स एक साल से ज्यादा समय से रह रहा है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकता है। यही वो लेटर है जो जम्मू के उपायुक्त अवनी लवासा ने जारी कर सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया है। पहले देखिए इस आदेश में क्या है। राज्य में एक साल या उससे ज्यादा रह चुके लोग वोटर बन सकेंगे। आदेश के बाद 25 लाख गैर स्थानीय लोग वोट डाल सकेंगे। दस्तावेज नहीं होने पर भी वोटर बनने का मौका है। तहसीलदार ही खुद निवासी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जहां लोगों को राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिल गया है, शादी करने का अधिकार मिल गया है, स्थानीय पहचान मिलने का अधिकार मिला है, वहीं जम्मू में एक साल से रह रहे लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलने के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर को बांटना चाहती है, यह बीजेपी की साजिश है। जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए, तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है। वही बीजेपी ने इस फैसले को लोगों के लिए जरूरी बताया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इससे बोगस वोटिंग को बढ़ावा मिलेगा। जो भारत में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल है तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आते ही अब धारा 370 नहीं है, उनको याद होना चाहिए। सियासी बयानबाजियों के बीच ये भी समझना जरूरी है कि नए फैसले से राज्य में 25 लाख नए वोटर्स बनने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में घाटी के वोट और सीट ही वहां की राजनीति की दिशा तय करते हैं। ऐसे में ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों का दबदबा कम होगा, लेकिन चुनाव विश्लेषकों की नजर में इसका क्या असर पड़ेगा, सुनिए। तो जो कश्मीरियों को अधिकार पूरे भारत में मिला था, भारत के बाकी हिस्सों के लोगों को वो अधिकार कश्मीर में भी अब मिल रहा है, चूंकि 370 नहीं है। इसके किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अलग चीज है। स्वाभाविक सी बात है, हल्ला सबसे ज्यादा वो पार्टियां मचाएंगी जिनको इससे नुकसान होने की। इस चुनावी फैसले के बाद हर राजनीतिक दल के अपने अलग तर्क हैं, लेकिन पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में बदलाव की जो बयार बह रही है उसने कुछ दलों को जरूर परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।